अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज समर शॉर्ट कोर्स में। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान मेथड के साथ है। वैसे तो ट्राउज़र पे पहले 2-3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं और जिन्होंने अभी अभी ट्राउज़र शॉर्ट कोर्स ज्वाइन किया है, उनके लिए ये वीडियो है ताकि उनको फौरी तौर पर ट्राउज़र बनाना आ जाए। कपड़ा हमारे पास वही जो 2.5 गज का कपड़ा होता है, उसी तरह से वही उतना ही साइज़ है कपड़े का। इसको हमने प्रेस करके डबल फोल्ड में फोर्थ फोल्ड बनाना है। जैसे कि ये डबल फोल्ड में, इसको पहले आपने इस तरह से कपड़ा खोला हुआ आपके पास होगा, फिर आपने उसको इस तरह करके सारी तरफ से प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपने इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगी तो ये फोर्थ फोल्ड हो जाएगा, यानी कि 4 कपड़े हमारे पास आ जाएंगे। ये देखें, 1, 2, 3 और 4। एक अच्छा ट्राउज़र सिलाई करने के लिए आपको कपड़ा इसी तरह से रखना है, बल्कि छोटा बड़ा करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अब बताती हूँ, 2.5 इंच हमने बैक को बड़ा कट रखना है, पीछे वाला जो कपड़ा होगा, क्योंकि ट्राउज़र में बेसिक चीज़ ही यही है कि आप अपने ट्राउज़र को बड़ा छोटा रखेंगे तो आपका ट्राउज़र परफेक्ट स्टिच होगा। उसके अलावा अब बारी आ जाती है यहाँ से जो इलास्टिक वाला साइज़ है उसको लेने की बारी आती है, घेर यानी कि कह लें। तो घेर आपने इस तरह से लेना है कि आपने अपनी हिप से इसको मेजरमेंट करना होगा कि अगर आपकी हिप 18 इंच है, जो आपकी शर्ट की हिप लाइन है वो 18 इंच है, तो आपने 2 इंच बढ़ाना है उसमें। 18 के बाद 2 इंच बढ़ाएं तो 20 हो जाता है, 20 का हाफ जो है वो 10 इंच आता है। और जिसकी हिप लाइन शर्ट की 20 है, वो बढ़ा के अगर रखते हैं, मतलब उनको बढ़ाना, जैसे कि ये ट्राउजर जिस साइज पे बनेगा, हिप लाइन 20 इंच है, उसमें हमने 2 इंच बढ़ाया तो 22 इंच हो गया, और 22 इंच का अब हमने करना है हाफ, और 22 इंच का हाफ करेंगे तो हमारे पास 11 इंच आ जाएगा, यानी कि 11 इंच हमारा यहाँ से ट्राउजर का घेर निकल रहा है। फ्रंट पे ये हमारे पास फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट पे हमने जो तैयार के निशान होते हैं वही लगाने होते हैं, इसमें हमें एक्स्ट्रा निशान नहीं चाहिए होते हैं, सिलाई का हक नहीं लेना है इसमें, हमें बैक से ही सारा सिलाइयों का हक भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा कपड़ा भी मिल जाएगा। बैक से हमने ये 2.5 इंच कपड़ा लिया है, तो आपको फ्रंट से भी 2.5 इंच के निशान लगाने होंगे। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद आपको इलास्टिक भी चौड़ी ही रखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों का ये जो बेल्ट है ये अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद अब 11 इंच के हमने जो घेर लिया है, इसमें जो हमारे पास आसन होगी फ्रंट आसन हम लेंगे इसकी 12.5 इंच। अब आपने इधर नेफे से नीचे निशान लगाने हैं, तैयार के निशान। ट्राउज़र में आपको यही चीज़ें नोट डाउन करनी है कि आपने निशान ही ऐसे लगाने हैं जैसे आप कपड़ा स्टिच कर रहे होते हैं, उसी हिसाब के आपने निशान लगा, फिर आपका ट्राउजर बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगा। आसन हमने 12.5 रखी है। अगर आप ट्राउजर की आसन बड़ी रखते हैं तो आपका हमेशा पांचे से ट्राउजर खिंचता है, इसलिए हमेशा आसन अपने हिसाब की रखनी है। उसके बाद अगर हम घेर थाइस के पास से जो घेर है हमारा, वो भी 12.5 रखेंगे, क्योंकि ये स्मॉल साइज आता है। 11 इंच का घेर जो है ये स्मॉल साइज है, स्ट्रेट ट्राउजर बनाना है तो ये 12.5 है। बाकी थाइस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए कपड़ा। अब यहाँ से हमें जो इतने निशान लगाने के बाद अब आपको कपड़े का दरमियान करना है, और कपड़े का दरमियान आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये 11 है तो इसका जो निशान आएगा वो 5.5 इंच आएगा। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ से दरमियान करना चाहिए कि यहाँ से दरमियान करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं और जिनके ट्राउज़र खिंचते हैं, वो थाइस से दरमियान ले लिया करें, उनका ट्राउज़र फिर खिंचेगा नहीं। तो अभी मैं इसका भी दरमियान यहीं से ले लेती हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थाइस से मैं दरमियान लूँगी तो थाइस से दरमियान मतलब 12.5 है, और अगर 12.5 का हाफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि वहीं से फीते को फोल्ड करें, जो एंचेस टेप है उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करने के बाद आप अपने एंचेस टेप को अच्छी तरह से प्रेस करें और वहाँ पे एक बन जाएगी आपके पास लाइन। ये जो लाइन बन रही है इससे आपका हाफ निकल आएगा। अब यही निशान आपने सारी तरफ लेकर जाने हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, 39 इंच लेंथ है ट्राउजर की,
39 लेंथ के बाद आप यहाँ से 3.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगी जो कि फोल्ड हो जाएगा, आपका पांचा तैयार होगा। वो हो गया। अब आपने जो पांचे का साइज लेना है वो आपने हाफ इधर से लेना है, हाफ इधर से लेना है, तब आपका पांचा एक्यूरेट बैठेगा। जो लोग यहाँ से पांचा लेके और बस यूं कर देते हैं उनका ट्राउजर कभी भी परफेक्ट सिलाई नहीं होता, ये प्रोफेशनल स्टिचिंग में आता है, ब्रांडेड स्टिचिंग में आता है। तो पांचा अगर हमने बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउजर रखना है तो उस हिसाब से मैं जो ये पांचा है ना ये 6 इंच का रखूंगी ताकि बिल्कुल खड़ी खड़ी लुक आए। अब मुझे निशान तैयार पांचे के लगाने हैं, 3 इंच यहाँ से, 3 इंच यहाँ से। अगर हाइटेड है तो आपने 16 इंच पे घुटना लेना है और अगर नॉर्मल हाइट है तो 15 इंच पे भी आप ले सकते हैं घुटना। घुटने से जो है वो मैं निशान ले रही हूँ 8 इंच का, क्योंकि स्लिम फिटिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है ये जिनका ट्राउज़र है, तो आप अपने हिसाब से घुटने की मेजरमेंट करके घुटने का साइज़ ले सकते हैं। अब आप इस स्केल की मदद से अपने ट्राउज़र की एक बहुत ही अच्छी शेप दे सकते हैं। ये स्केल्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, आप यहाँ से अपने जो स्केल की शेप्स है ना वो दे सकती हैं बहुत अच्छी सी। ज़्यादातर ये स्केल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, ये जो इस तरह के कर्व वगैरह हैं, नीचे से आपको स्ट्रेट लाइन लेकर जानी है। ये आ गई आपकी शेप ट्राउज़र की। उसके अलावा यहाँ पे भी आपने स्केल को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये स्केल्स जो हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, आप इसको फिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको इजीली ट्राउजर्स में, तो ये बहुत अच्छी शेप देते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ से कर्व देख सकते हैं, ये आपका हिप कर्व बन रहा है। अब अगर आप इसी तरह से कटिंग करती हैं तो आपका ट्राउज़र कभी भी फंसेगा नहीं हिप से, कभी भी थाइस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उठने बैठने में। जो बैक है उसको हमने, अगर आप स्केल का ही इस्तेमाल कर रही हैं तो बैक से आपने जो है इसको ये वाली शेप देनी है इस तरह से। स्केल ही रख के दे सकती हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसको इसी तरह भी दे सकती हैं। अब हमने कटिंग करनी है तो कटिंग अभी हम सिर्फ फ्रंट की करेंगे। आसन की भी जो आपने शेप देनी है वो इस तरह की शेप होगी। साइड से हम बिल्कुल साथ साथ, मतलब जो निशान है उनके साथ कटिंग करेंगे और दोनों कपड़ों को इकट्ठे करेंगे, फ्रंट को भी और बैक को भी। बहुत हेल्दी अगर किसी का साइज़ है तो आपने फिर यहाँ से ट्राउज़र को 2 इंच बढ़ा के रखना होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि हेल्दी लोग अपना ट्राउज़र किस तरह सिलाई करें ताकि उनका ट्राउज़र फिक्स आ जाए। अब आपने सिर्फ ऊपर के 2 कपड़े उठाने हैं। बैक को हमने कट नहीं किया था। अब आपने ये करना है कि आसन से लेके यहाँ से ऊपर जो इलास्टिक वाला हिस्सा है वहाँ से आपने ये 2.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से भी आपने ये जो आसन का कर्व है यहाँ से भी आपने 2.5 इंच का ही निशान लगाना है। उसके बाद अब आपने 2.5 इंच के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे, जैसे आसन से नीचे जाएंगी तो 2-2 इंचेस के निशान आपने लगाते जाना है घुटने तक। घुटने से नीचे भी आपने 2 इंच का निशान करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंच स्टेप को थोड़ा पीछे करते करते 1.5 इंच पर आपने ये निशान अपने कर लेने हैं सारे।
ये देखें, एक बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रेट शेप के साथ हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। और इसकी स्टिचिंग इस कदर आसान है, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है तो कटिंग भी बहुत इजी हो जाएगी। और स्टिचिंग तो वैसे भी ये 5 मिनट में एक सिंपल ट्राउज़र आप स्टिच कर सकते हैं अगर आप इस तरह की कटिंग कर रहे हैं तो। इस तरह की ट्राउज़र कटिंग के बाद आपके पास अच्छा खासा पीस भी बच सकता है। और जो लोग हेल्दी हैं, जिनका एक्स्ट्रा साइज़ है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो डालूंगी कि कलियाँ डाल के भी आप अपने ट्राउज़र को बहुत खूबसूरत जो है शेप के साथ बना सकते हैं। अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर स्टिचिंग मेथड बताऊंगी कि किस किस तरह से आपने इनकी सिलाइयों को नीट बनाना है, करना है। तो अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।